हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिनेमा 4D के बारे में। सिनेमा 4D एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप सबको पता है। हमारा ये दूसरा लेक्चर है सिनेमा 4D का, तो अगर आप लोग नए हैं तो पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें बेसिक में छूट गई थी पहले लेक्चर में, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक क्यूब लेते हैं, जैसे कि मैंने एनिमेशन करना थोड़ा सा बताया था आप लोगों को, तो थोड़ा कुछ चीज़ें बच गया था तो और बता देता हूँ। ये जो तीन चीज़ है ये क्या होता है, ये मैंने बताया था। जैसे कि मैंने इसको लिया और इसको मैंने कुछ एनिमेशन दिया, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लिया, यहाँ तक लिया, इसके बाद एक की लिया, तो ये देखिए यहाँ से ये एनिमेशन हो चुका है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया है। अभी मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं इस पर की लगा रहा हूँ, ये देखिए, तो की लग नहीं रहा है। अगर कभी गलती से आपका ये बंद है तो आपका की एनिमेशन नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखिए कि एनिमेशन करते टाइम इसको ऑन रखिए, तभी एनिमेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा था, ये मैंने नहीं बताया था, इसका चार व्यू पोर्ट होता है, एक टॉप होता है, राइट होता है, फ्रंट होता है, और ये होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव वो होता है जिसमें हम काम करते हैं, और ये जो रिपोर्ट होता है हमें सिर्फ काम करने में काम आता है, थोड़ा अपने को पता नहीं चलता है कभी कभी कि क्या चीज़ करना है, तो यहाँ से हम उसको रोके और पोजीशन जो भी देना है हम दे सकते हैं, या कुछ सेट करना रहेगा हमें तो यहाँ से अच्छे से सेट कर सकते हैं कि सेंटर में सेट करना है, कहाँ सेट करना है। ये देखिए यहाँ से मैंने सेंटर में सेट कर दिया, और यहाँ से हमें कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे यहाँ सेट करना है ये वाले एरिया पर, तो यहाँ से उसका उठाऊँगा, यहाँ सेट कर दूँगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये क्या होता है। तो जब भी काम करना रहेगा तो हमें प्रोस्पेक्टिव में ही आके काम करना है। एक हम लोग और कुछ ले लेते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं। ये डॉट तो मैंने बताया था आप लोगों को कम ज़्यादा करने का, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा हो सकता कर लेने का। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा इसको एनिमेशन करके बताऊंगा। इस पर गए, एक की लगाए, उसके बाद इसको यहाँ तक लाते हैं, और इसको मैं करता हूँ रोटेट, एक की लगा दिए, ये देखिए इसका एनिमेशन हो गया है, पर इसका नहीं किया मैंने, तो मैं इसको करूँगा मिनिमम, चाहता हूँ कि जैसे एनिमेशन हो रहा है ठीक है, एनिमेशन इसका भी हो जाए बिना किए, तो मैं क्या करूँगा। इसमें क्या होता है कि ये जो पैरेंट मैंने बताया था, इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड होता है, ये हमारा जो है, ये जो क्यूब है इसके अंदर हम डाल देंगे क्यूब को, हो गया है। तो हमारा जो ये है क्यूब, क्यूब को मैं बना दूंगा पेरेंट, और ट्यूब को मैं बना दूंगा चाइल्ड, तो इसको इसके अंदर डाल दूंगा। अब देखते हैं क्या हुआ, ये देखिए जैसे मैंने उसको एनिमेशन दिया पहले वाले को, सेम एनिमेशन दूसरे में भी ले लिया, और इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो मेरा क्यूब था इसको मैंने एनिमेशन दिया था, ये हो गया इसका पेरेंट्स और ये हो गया चाइल्ड, तो जैसे ही पेरेंट्स का मूवमेंट रहता है, एनिमेशन रहता है ठीक, चाइल्ड का भी हो जाता है जब उसके अंदर डालेंगे,
देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको भी एनिमेशन रूम में, एक सेकंड में फिर से दिखा देता हूँ आपको, तो बाहर निकालते हैं, मैं इसको भी एनिमेशन देता हूँ कुछ। इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और की लगा लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं इसको पैरेट चाइल्ड बना दूँ। ये बन गया चाइल्ड और ये क्यूब बन गया पैरेट्स। अब क्या होगा देखते हैं। ये उसके साथ घूमता रहेगा। तो ये होता है। और उसके बाद में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये भी बेसिक में ही आता है। ये जो आप लोग डॉट देख रहे हैं और ये सही देख रहे हैं, सही किया हुआ है, ये क्या होता है। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये गायब हो गया। जैसे कि बहुत सारे लेयर में होता है कि मतलब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, अभी बाद में चाहिए, तो इसको मैं बंद कर सकता हूँ, बाद में ये कलर लूँगा, ऐसा कर सकते। और उसके बाजू में ये तो डॉट दिख रहा है हमें, ये क्या होता है। ये जब मैं दोनों डॉट पे क्लिक करूँगा तब ये मेरा एक्टिव हो जाता है। पहले को अगर नीचे वाले डॉट को मैं हटा दूँगा तो ये देखो ये दिख रहा है। अगर इसको रेंडर मारता हूँ मैं तो ये गायब हो जाएगा, मतलब रेंडरिंग में नहीं दिखेगा। और इसका ठीक उल्टा होता है कि मतलब मैं ये वाला ऊपर वाला गायब कर देता हूँ और नीचे वाला एक्टिव रहने देता हूँ, तो यहाँ नहीं दिखेगा पर रेंडर में नहीं दिखेगा। ये ठीक इससे उल्टा काम होता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ से एक मैं क्यूब लिया, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये क्यूब है हमारा, ये तो पॉइंट आपको बताया ही था। यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए इसका सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है ये बताने जा रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा सेगमेंट्स का। तो ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक बैंड अप्लाई करूँगा। ये बैंड का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाइट रहने देते हैं। ये हो गया। ये अभी भी उन्होंने बताया कि ये जो चलता है इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड यही सेम इसका चलता है रूल। तो हमें डिसाइड करना है कि पेरेंट्स कौन सा रहेगा, चाइल्ड कौन सा रहेगा। ये जो हमारा क्यूब है ये पेरेंट्स रहेगा और ये जो हमारा बैंड अप्लाई किया उसके ऊपर, इसको हमें बनाना है चाइल्ड। तो इसको पकड़ना है और क्लिक करके रखना है, इसके ऊपर लाओगे तो ऐसा आएगा, बस छोड़ देना है तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। अभी जो इसका स्ट्रेंज है ये बढ़ाते हैं। ये देखिए जैसे इसका शेप था सेम शेप में ये मूव हो रहा है। अब हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हर चीज़ जहाँ पे ये दिखेगा डॉट समझिए ये एनिमेट होगा। तो हम चलो इसको थोड़ा सा एनिमेट करके देखते हैं। एनिमेट करना कैसे है, जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक की लग जाएगा। ये इसको यहाँ पे लाते हैं और इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं। उसके बाद एक क्लिक और कर देंगे ताकि यहाँ पे एक की फ्रेम लग जाए। अब देखते हैं हुआ क्या है। ये देखिए बन गया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चार सॉफ्टवेयर इस टाइम पे चल रहा है हम लोग का एक साथ में, तो सीखते रहिए। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले मेरा अबाउट अस वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से लाइन में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। हम लोग टोटल 20 सॉफ्टवेयर सिखाने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।